हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि यदि एक्स अनुपात वाई का मान लिखा है 6:5 तथा वाई अनुपात जेड का मान लिखा है दोस्तों 9:25, तो कह रहा है कि एक्स अनुपात जेड का अनुपात क्या है। काफी बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा किसी वस्तु को 25% की छूट पर करा कि 3600 रुपए में बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य क्या था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 116 है दोस्तों, जिसने पार्ट 115 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि यदि एक्स अनुपात वाई का मान लिखा है 6:5 तथा जेड अनुपात वाई का मान लिखा है दोस्तों 9:25, तो कह रहा है कि एक्स अनुपात जेड का अनुपात क्या है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसके तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स और अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों, वाई कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों का कितना लिखा है 6 और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों जेड अनुपात वाई, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, नहीं यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों वाई अनुपात जेड। अभी आप क्यों उल्टा कर रहे हैं सारा चीज बताएंगे कि देखिए जेड अनुपात हम लोगों का वाई अनुपात, जैसे कि जेड अनुपात वाई है ना, तो हम लिखे वाई अनुपात जेड, तो यानी वाई का मान हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, देखिए ना जिसका मान दिया उसी को लिख रहे हैं, और यहाँ पर जेड का मान हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, जेड का मान हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि देखिए शुरू में जेड है तो जेड का मान 9 हुआ और वाई का मान 25, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या लिखे 6 और वाई का मान क्या 5, तो आप जान रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर उल्टा इसलिए किए क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, एक साइड क्या करना होता है दोस्तों, अगर कभी भी आप अनुपात का सवाल बना रहे हैं और आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, बराबर करना होगा, तो बराबर हम लोगों को यानी कि देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई को क्या करना होगा दोस्तों किसी भी हालत में बराबर करना होगा, तो बराबर करना होगा, तो यानी कि यहाँ पर आप गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 5 से इसमें गुना कर देंगे, यानी कि जैसे ही उसमें क्या करेंगे दोस्तों 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों 5 से, तो जैसे ही 5 से उसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, देखिए 6 5 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एकदम आपको कन्फ्यूजन है, 6 5 30 हुआ, 5 क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर देखिए वाई का मान हम लोगों का 25 है ये है, और इधर अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो वाई देखिए बराबर हो गया। क्यों बराबर, क्यों, क्योंकि कॉमन था, इसीलिए बस इसी को कह हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों एक्स अनुपात जेड का मान, तो एक्स का मान हम लोगों का 30 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9, तो यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन लिखेंगे और आप कंफ्यूजन नहीं होइए, यहाँ पर ईद क्या हम लोगों से पूछा क्या दोस्तों एक्स अनुपात और क्या लिखा हम लोगों का कि एक्स और जेड का मान, तो एक्स का मान देखिए ना एक्स के नीचे 30 है देखिए ना, और जेड के नीचे क्या है दोस्तों 9, इसी को जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है, हम लोगों का कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों ईद के, तो 3 क्या हो जाएगा 10 से कटा और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो 10:3 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, लगभग स्टूडेंट गलती कर रहे हैं और यहाँ पर आंसर गलती कर रहे हैं कि क्योंकि सर हमको कोई तो कह रहा है कि तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे, बस आपको यही बात याद रखना है कि कॉमन लेना है, यानी कॉमन को बराबर करना है, वाई वाई कॉमन है तो इसको बराबर करना होगा, तो बराबर
बराबर करने के लिए देखिए इधर 25 है तो आखिर y को किससे गुना करेंगे जो बराबर हो जाए, तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे यानी ब्रैकेट है तो दोनों में गुना हो जाएगा, 5 से 6 में भी गुना हो जाएगा, 6 5 30 50 25 बराबर हो गया। इधर तो y का लिखवे क्या 25 अनुपात 9, इसको लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है x अनुपात z, तो x के नीचे आप कहाँ ही नहीं समझ रहे हैं कि x के नीचे क्या है दोस्तों, इधर x के नीचे क्या है 30 है और z के नीचे यहाँ पर निकाले क्या 9, इसीलिए x वहाँ पर इंडिकेट कर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि आप 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा? तो ये औसत बराबर सूत्र ही क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि देखिए औसत कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे 35 प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 39 प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 41, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्लस दे दीजिए इस जगह पर, प्लस क्या हो जाएगा 41, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 46, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया जैसे हम लोगों के सामने x, तो x हो जाएगा और बराबर, तो इसी का औसत है, तो औसत हम लोगों का कितना लिखा है दोस्तों यहाँ पर 38 लिखा है, और यहाँ पर टोटल बट्टा में दे देंगे, यानी कि बट्टा में हम लोगों का कितना हो जाएगा जल्दी से कर लीजिए इधर के, यानी क्या गो अंक है दोस्तों, तो 1 2 3 यानी क्या गो संख्या है, तो 35 39, तो 1 2 3 4 5 6 एक्स लगाकर कितना संख्या है हम लोगों का 6 संख्या, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, बस इसको जोड़ लीजिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ लेते हैं, तो इधर से जोड़ते हैं 7 6 13 और 1 14 14 और यहाँ पर 5 19 19, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा हम लोगों का 28 करी 8, हासिल कितना बचा 2, तो इसको जोड़ लेते हैं 4 2 6 और 6 4 10 3 13 3 क्या दोस्तों 16, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 17 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 2 18, हाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 188 हो जाएगा, बिल्कुल आप जोड़ लीजिए 188 आएगा, और बरा ये प्लस क्या कर देंगे दोस्तों एक्स कर देंगे, अब बराबर का बराबर देखते चलिए आप कंफ्यूजन मत होइए, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों हम लोगों का 6 7 कितना हो जाएगा 6 6 48 करिए 8, हासिल कितना बचा हम लोगों का 4, और इधर 6 3 18 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, बस एक्स का मान निकाल दिए, इसमें ज़्यादा कुछ कहानी रवैया करना था ही नहीं, कहानी कथा करना ही था ही नहीं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का कि यहाँ पर लिखा जाएगा 200 क्या हो जाएगा दोस्तों 28 और माइनस क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो एक्स का मान निकल गया, तो एक्स बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों जल्दी से आप घटा दीजिए इधर के, तो x का मान हो जाएगा हम लोगों का इधर हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा क्योंकि 8 में 8 गया 0, 1 दाएं 10 और 2 12, तो 12 में 40, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। बस तरीका समझना, औसत बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि औसत, देखिए औसत 38, तो औसत बराबर सूत्र संख्याओं का योग, यानी जितना भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, और बट्टे क्या संख्या की यानी संख्याओं की संख्या, तो टोटल क्या को संख्या, तो 35 एक संख्या, 36 दूसरा, 39 41, इस तरीके से देखिए 6 संख्या, ये 6 कहाँ से आया, तो वही बता रहे हैं कि 35 एक संख्या है, 39 एक संख्या, उसके बाद 41, तो देखिए इस तरीके से कीजिए और x को भी लीजिएगा, तो 6 को संख्या ना, इसीलिए 6 लिखा और क्रॉसिंग गुना कर दिए, यहाँ से यहाँ पर क्रॉसिंग गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 228, और सबको जोड़िएगा देखिए 128 प्लस x होगा कि नहीं, तो अंक को एक साइड कर देंगे x का मान निकल जाएगा, ज़्यादा कहानी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया था, करे 1 3 5 7 इस तरीके से डॉट 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 लिखा 25 संख्याओं का औसत, यानी कि यहां पर जैसे अगर हम लोग लिखेंगे तो कौन संख्या दिख रहा है, यानी 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, और डॉट डॉट अब छोड़िए ना कितना लिखेंगे, यहां तक 25 है, तो हम लोगों का संख्या क्या दोस्तों विषम संख्या, यहां पर क्या दिख रहा है आपको विषम संख्या का क्या लिखा है दोस्तों, सारा हम लोगों का क्या है विषम, यानी प्रथम विषम संख्या, यहां पर क्या है दोस्तों प्रथम विषम संख्या का औसत पूछा है, तो प्रथम विषम संख्या का औसत कभी भी पूछा जाए, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों प्रथम, यहाँ पर कर लीजिए प्रथम, वहाँ पर देखिए ना लिखा है कि प्रथम, यानी प्रथम कहाँ लिखा है तो कहीं नहीं, लेकिन प्रथम आप कैसे जाने क्योंकि एक से स्टार्ट किया था, एक से ही ना प्रथम होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रथम विषम संख्या का औसत क्या होता है, प्रथम विषम यहाँ पर लिख देते हैं संख्या का औसत, तो हम लोगों का क्या हो जाता है दोस्तों एन स्क्वायर, इस प्रश्न का
औसत क्या होता है हम लोगों का एन का स्क्वायर। तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा आखिरी संख्या यानी कि हम लोगों का क्या हो दोस्तों 25 है। तो 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही 25 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस क्या है दोस्तों प्रथम विषम संख्या का औसत ही क्या होता है एन स्क्वायर। कभी भी रहे कहीं तक दिया रहे कल हो सकता है 31 तक दे कल कहीं तक दिया रहे तो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। याद रखेंगे कि प्रथम विषम संख्या का औसत ही क्या होता है एन स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया इधर यहां पर दिया है टाइम एंड वर्क से। तो कह रहा है कि 16 आदमी 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पर साफ-साफ लिखा है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि 16 आदमी लीजिए और 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है 28 आदमी 12 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा। आप लाइन पे मत जाइए कि इतना बड़ा लाइन हम कैसे करेंगे सर हमसे तो बनबे नहीं करे ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट तरीका क्या दोस्तों ये देखिए यहां पर एक फार्मूला क्या लगाएंगे MDH क्या दोस्तों M1 अगुना हम लोगों का क्या होता है D1 अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का H1। बस फार्मूला लगा दीजिए दोस्तों H1 बस इसी पे आपका सारा रवैया हेट हो जाएगा तो यहां पर कर देंगे M2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों D2 अगुना क्या कर देंगे H2। सारा चीज बताएंगे कि यहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं M तो M का मतलब क्या होता है आदमी। यहाँ पर क्या दोस्तों आदमी यानी कि मैन व्यक्ति जो भी बोलिए मैन बोलिए आदमी बोलिए। डे मतलब तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है दिन होता है। और H का मतलब क्या होता है दोस्तों घंटा होता है यानी कि आवर होता है यानी कि यहाँ पर क्या होता है घंटा होता है। तो यहाँ पर कर लीजिए बस इतना ही कहानी इसमें करना था और आप बैठा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। दीजिए एम का मतलब आदमी तो 16 आदमी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 16 लिखेंगे। और कितना दिन लिया है तो कह रहा है कि 12 दिन लिया। और कितना घंटा तो 14 घंटा काम किया। यहाँ पर देखिए M2 तो यहाँ पर कितना दोस्तों 28 आदमी और यहाँ पर कितना दिन लिया है तो कह रहा है कि वही दिन निकालना वही पूछा है कि कितना दिन में पूरा करेगा। तो अच्छा तो D2 लिख देंगे इसमें दिक्कत क्या। और H2 तो H2 देखिए यहाँ पर कितना 12 घंटा। इधर भी हम लोगों का क्या लिया है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 12 घंटे कार करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। बस यही बैठाना था और आप कटा दीजिए देखिए बराबर के इस पार से उस पार कट जाएगा तो ई बारह क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। उसके बाद देखिए 14 से हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 से कट जाएगा यानी कि हाँ तो 14 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। यहाँ पर कटा लीजिए नीचे लिख देते हैं 14 दुना क्या हो जाएगा 28। और उसके बाद 2 से भी कट जाएगा 2 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। देखिए सारा कट गया हम लोगों का निकल गया यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 दिन यानी कि D2 कितना हो जाएगा 8 दिन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। बस फॉर्मूला याद रखें MDH यहाँ पर क्या लगाएंगे MDH। बस M का मतलब आदमी मतलब D का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों डे यानी कि दिन H का मतलब क्या हो जाएगा घंटा यानी कि आवर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर है। बाकी इसके अलावा और कुछ रहेगा तो सबको नीचे लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया इधर किस तरीके से डराने का प्रयास करें लेकिन डरेंगे नहीं कैसे। इधर तरीका सबसे शॉर्ट करें दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 और उसमें एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। यहां पर क्या है दोस्तों दो व्यक्ति यानी एक व्यक्ति ले लिए और यहां पर क्या लिख दिया दोस्तों दूसरा व्यक्ति और दोनों का अनुपात 5:9 लिखा है तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या रवैया खड़ा कर रहा है कि एक आदमी दूसरे से 40 वर्ष अधिक है यानी एक आदमी दूसरे से इसका अर्थ क्या है दोस्तों अंतर दिया यानी कहने का मतलब क्या है एक आदमी दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अगर कभी भी इस तरीके से लिखा है कि एक आदमी दूसरे से इतना अधिक है तो उसका अर्थ अंतर ही है। तो यानी कि अंतर देखिए 5:9 का अनुपात कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों यहाँ 4 का हो जाएगा और 4 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40। आप बात को अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि दो व्यक्ति का अनुपात है तो यहां पर लिख दिए पहला 5:9 उनमें से एक की आयु दूसरे से क्या है 40 वर्ष अधिक है। तो यानी कि अनुपात या एक का आयु दूसरे से तो यहां पर क्या है दोस्तों एक जो है दूसरे से बड़ा है तो यानी कि दोनों में अंतर ही है क्योंकि आप जानते हैं कि एज क्या है दोस्तों कभी भी रुकने वाला है नहीं जो अंतर है तो वही होगा। तो यहां पर 4 कहां से आया तो 5:9 का अंतर किए हैं 5:9 घटेगा इसीलिए अनुपात 4 लिखे हैं। तो बस इसको घटा लीजिए दोस्तों यहां पर हो जाएगा अनुपात 1 का मान यानी 4:1 इधर से देखिए 1 में वहां पर लग जा रहा है इसको ऐसे कटा लेते हैं छोटा सा कटा लेते हैं दोस्तों इधर के तो यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर कटा लेते हैं 1:1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। बस हो गया करें उनकी आयु का योग तो उनका आयु का योग निकाल दीजिए यानी दोनों आयु का तो दोनों आयु यहाँ पर जैसे करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों इसको अलग कलर में ले लेते हैं तो 5:9 जोड़ लीजिए दोस्तों 5:9 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात दिया था, एक को एक जो है दूसरे से इतना अधिक है, यानी कि अंतर दिया है 5:9, अंतर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 = 40, तो अनुपात 1:10, तो कह रहे उनकी आयु का योग, तो दोनों का योग पूछा है, तो 9+5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 और अनुपात 1:10, तो गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, किसी वस्तु को, ये प्रश्न काफी बार देखे हैं दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो किसी वस्तु को 25% छूट पर कह रहा 3600 रुपए में बेचा गया, छूट दिया और बेच दिया, तो कह रहा अंकित मूल्य क्या था, यानी पॉकेट पर दाम क्या था, वही पूछा जा रहा है कि आखिर 3600 में तो आप बेच दिए लेकिन दाम आप कितना रखे थे पहले ये आप बताइए, तो वही पूछा जा रहा है दोस्तों कि 25% अगर छूट दिए और हम लोग कितना में बेचे हैं 3600 रुपए में बेच दिए, तो वही कह रहा इसका दाम कितना था पॉकेट पे, और ये अंकित मूल्य जो लिखा रहता है MRP यानी कि रिटेल प्राइस जो लिखा हुआ था, यहां पर बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट सबसे सरल एक लाइन में इस प्रश्न का आंसर करवा देंगे, यानी आपसे कभी भी अगर अंकित मूल्य पूछा जाए तो एक लाइन में ही करवा देंगे। क्या तरीका, देखिए अंकित मूल्य, यानी कि तरीका सबसे शॉर्ट, अंकित मूल्य यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3600 रुपया तो हम लोगों का दाम था ही, बेच दिया करे 3600 में हम बेच दिए लेकिन पॉकेट पे दाम कितना था, इसको प्रतिशत वैल्यू उल्टा कर दें, 25% छूट दे रहा है ना, तो ऊपर में 100 लिख दीजिए, ऊपर में क्या लिखेंगे दोस्तों 125 छूट दे रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्योंकि छूट बट्टा की गणना हम लोग कहाँ पे करते हैं 100% पर ही करते हैं, कभी भी छूट बट्टा देंगे तो हम लोग कहाँ पर देंगे 100 पर ही देंगे, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, बस आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 दिया क्या हो जाएगा 75 और 25 चुके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 और 3 से जैसे ही कटा लेंगे तो 12 दिया क्या होता है दोस्तों 36 होता है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए ऊपर में क्योंकि इसको पूरा का पूरा 3 से कटा दिए, तो बरचोक क्या हो जाएगा दोस्तों 48 और डायरेक्ट आंसर ही कर देंगे, ज्यादा गुना करने की क्या आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कभी भी इस तरीके के प्रश्न पूछा जाए, अंकित मूल्य अगर यहाँ पर पूछा जाए और विक्रय मूल्य दिया है तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देंगे बस निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने सेकेंड में वे फिर 1:07 बजेंगे, तो इस तरीके के प्रश्न घंटी वाले प्रश्न आ जाए, 1:07 कब बजेंगे तो कुछ नहीं करना होता, LCM ले लेना, किसका किसका दोस्तों, ये 6 उसके बाद हम लोगों के सामने 7, उसके बाद हम लोगों के सामने 8, उसके बाद 9 और क्या लिखा है दोस्तों 12 लिखा है, इसी का आप क्या करेंगे बेहिचक LCM ले लेंगे, बेहिचक क्या करेंगे दोस्तों LCM लेंगे, तो ले लेते हैं इसमें आप दिक्कत क्या कर रहे हैं, तो यहां पर 2 से ले लेते हैं, तो 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 का 7 और 2 चुके 8 और यहां पर 2 से तो 9 कटने वाला है नहीं, तो 9 और 2 × 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का 12, बस इसको ऐसे देते चलिए दोस्तों और आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए अब किससे जाएगा सर, हाँ तो 2 से और जाएगा, तो 2 से दे देते हैं, ये देखिए 2 से तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हम लोगों का 7 का 7 उतर जाएगा और 2 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ये 9 का 9 हो जाएगा और 2 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, फिर किससे जाएगा तो इसको यहाँ से ले लेते हैं, फिर अब किससे जाने वाला है तो यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, हम लोगों का लग रहा है कि 3 से जाने वाला है, तो एक बार लगा देते हैं क्या दिक्कत है, 3 × 3 इधर हो जाएगा 7 का 7 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 का 2 यानी कोमा दे दीजिए आप बीच में क्या कर दीजिए कोमा, इधर हो जाएगा दोस्तों 3 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 और 3 एका क्या हो जाएगा दोस्तों कोमा बीच में और 3 एका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 से कट गया, अब तो कटने वाला नहीं, अब किसी से जाएगा नहीं जाएगा, तो सबको गुना कीजिए आप क्या कर दीजिए दोस्तों सबको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हम गुना करके लिख देते हैं आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, तो हम गुना कर देते हैं, देखिए इस जगह पर करते हैं 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 गुना क्या लिखा हम लोगों के सामने 3, बस आपको गुना करना है दोस्तों और कुछ नहीं, सबको क्या कर देना है गुना करना है, तो यहाँ पर 3 हो गया, अगुना 1 को हटाइए, 1 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 7 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही ना होगा, आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हजारों में 1 से गुना करेंगे तो हजारे होगा ना, क्योंकि आप जानते हैं, बस इसको जैसे ही गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों ये देखिए, तो यहाँ से करते हैं 2 × 2 = 4, 12 × 7 = 84 84 × 6 तो 84 × 6 करेंगे तो कितना हो जा रहा है जल्दी से हम करके देख लेते हैं, इस जगह पे 6 × 6 = 24 करी 4 हासिल रहा 2 हाँ तो 500 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही है। घंटी वाले प्रश्न आए कहेगा कि 5 घंटियां इस तरीके से अंतराल, बस आपका LCM निकाल दीजिए, उसका क्या निकाल दीजिए दोस्तों LCM निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से कह रहा है एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है, यदि उसकी गति 250
किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, पहले गति निकालना होगा तब ना आप बढ़ाएंगे, पहले तो गति निकालबे नहीं किया, यानी कि चाल निकालेंगे तब ना बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, पहले चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, दूरी बटा में क्या होता है समय होता है। चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा में क्या होता है समय। ये बात आपको बताए लेकिन इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसीलिए सूत्र बता दिए कि चाल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। बस यहाँ पर देखिए दूरी दिया है क्या, तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर 6000 किलोमीटर दिया और समय क्या दोस्तों 8 घंटे दिया। तो दूरी के जगह 6000 बैठा देंगे और समय के जगह क्या बैठा देंगे 8 बैठा देंगे, बस यहां से निकल जाएगा चाल। तो इसको हटा देते हैं, देखिए चाल निकाल लेते हैं हम, यहां पर क्या निकाल लेंगे दोस्तों चाल निकाल लेंगे, बस ये समझाने के लिए इतना घड़ी समय लिए। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6000, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 6000 और कितना लिया है 8 घंटा लिया। तो इसको जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा, तो 8 से जैसे ही कटाएंगे तो 8 से आके कटेगा 60, कहाँ कट जाना चाहिए हम लोगों का, 8 सत्य क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो 8 सत्य 56, 4 जीरो, तो 8 पंचे 40, यानी 750 बार में पूरा का पूरा 6008 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ई चाल निकल गया। अब फिर क्या कहा है, एक चाल यहाँ पर निकल गया, यानी कि हम लोगों का कितना चाल निकला दोस्तों, तो यहाँ पर एक चाल हम लोगों का निकला है 750 निकला, यानी कि कितना निकला है 700 क्या दोस्तों 50। तो यहाँ पर जैसे ही 750 निकाले, कह रहा है कि 200, यहाँ पर बोला है कि यदि उसकी गति कितना 250 बढ़ा दिया जाए, तो इसमें 250 क्या कर दीजिए दोस्तों बढ़ा देंगे, तो जोड़ देंगे। तो अब कह रहा है कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब फिर से हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, समय पूछा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी समय बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, तो समय बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, दूरी बट्टा क्या दोस्तों हम लोगों का चाल। समय बराबर आप सूत्र जानते हैं, दूरी बट्टा क्या दोस्तों चाल। तो यहाँ पर लगा देते हैं इधर, तो हम लोगों का समय निकल जाएगा, यानी कि दूरी कितना है, तो दूरी तो सर हम लोगों के सामने दिया है, वो बोल रहा है कि 9000 किलोमीटर है और चाल अभी आप निकालने हैं कितना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि अरे 750 और 250, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। यहाँ के बाद आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है, कोई कन्फ्यूजन और कोई टेंशन आपको लेना नहीं था कि आखिर आप कैसे कर रहे हैं, हम इंडिकेट करके भी बता रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए और कटा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा रवैया कुछ खड़ा करना नहीं है कि 30 से 30 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 9 घंटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।